वेलकम बैक दोस्तों, फाटोपथोरा में जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक हमने कंप्लीट किया था उसकी लाइफ हिस्ट्री में। अब आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में उसकी हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हम लोगों ने, रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब क्या होगा, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हाइफी होती हैं इसकी फाइटोप्थोरा की जो हाइफी होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होकर कुछ हाइफी बनाती हैं मेल सेक्स ऑर्गन और कुछ बनाती हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे दोस्तों कहते हैं एंथ्रीडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहते हैं ओगोनिया। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे आर्चिगोनिया नहीं होगा, क्योंकि आर्चिगोनिया जो होता है वो ब्रायोफाइट में होता है या फिर टेरिडोफाइट में नहीं होता है, ब्रायोफाइट तक जो होता है वो आर्चिगोनिया होता है, लेकिन यहाँ पे ओगोनिया होगा। फंजाई और एल्जी के क्लेस में क्या होता है, ओगोनिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो कुछ हाइफी स्पेशलाइज्ड होकर बनाएंगी ओगोनिया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कुछ हाइफी मतलब स्पेशलाइज्ड होकर बनाएंगी मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडिया। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मान लीजिए कोई हाइफी है, ये एपिडर्मल सेल्स है, कंडीशन अनफेवरेबल है, इसमें कुछ हाइफी जो हो गई वो स्पेशलाइज्ड हो गई, फिगर नहीं बनाते हैं, ऐसे ही समझते हैं, कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड होके एंथ्रीडिया बनाती हैं और कुछ आर्चिगोनिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है, जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस टाइप का होता है दोस्तों। ओगैमस टाइप का कैसा, ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओगैमस टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी हाइफी ग्रो करके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनाती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दोस्तों ये इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कैसा है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप का, ओगैमस टाइप का है, उसमें ओगैमस जो है ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है, यानी कि जो एंथ्रीडिया और ओगोनिया है वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसे ही फ्यूजन को या फर्टिलाइजेशन को कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। तो दोस्तों जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एम्फीगाइनस और एक होता है पैरागाइनस। तो एम्फीगाइनस सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग, एम्फीगाइनस इसमें क्या होता है, जो एंथ्रीडिया और ओगोनियम होता है वो इनिशियल स्टेज में ही फ्यूज हो जाता है। क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। जो एंथ्रीडिया होगा वो ग्लोबोस स्ट्रक्चर होगा उसका, सॉरी क्लब शेप होगा, और जो ओगोनिया होगा वो ग्लोबोस स्ट्रक्चर होगा। जैसे मान लीजिए ये इसका क्या है, ओगोनिया है। ओगोनिया कैसा है, ग्लोबोस है यानी कि राउंडेड है, ओगोनिया है ये। अब मान लीजिए अगर एम्फीगाइनस की बात करेंगे तो जो एंथ्रीडिया ग्रो करेगा वो इसे पेनिट्रेट करके ग्रो करेगा, और ये कैसा है, ये है क्लब शेप्ड, क्लब शेप यानी कि लौकी के आकार का है। तो इसमें दोनों में अपने अपने पास एक एक न्यूक्लियस होगा, ये आगे फ्यूज करके बनाएंगे। अब ये पहले से ही एक दूसरे को इन्वेट करके यानी कि पेनिट्रेट करके ग्रो कर रहे हैं। जो हाइफी स्पेशलाइज्ड हुई हैं वो अगर एम्फीगाइनस टाइप से अगर हुई हैं तो क्या होगा कि इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक दूसरे को इन्वेट करके यानी कि पेनिट्रेट करके एक दूसरे को चीरते हुए ये ग्रो करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस जो होगा वो आपस में जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब इनका न्यूक्लियस क्या होगा, आपस में फ्यूज हो जाएगा। दोस्तों समझते चलिए, बस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये।
अगर समझेंगे तो बहुत आसान है, और ना समझने वालों के लिए दोस्तों तो सब कुछ टफ ही। इसका दोनों का न्यूक्लियस एक में आ गया, और ये जो एंथ्रीडिया है, लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, ये एंथ्रीडिया है, ये ओगोनिया है, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन दोनों का न्यूक्लियस क्या हुआ कि अगले स्टेज में एक में आ गया, और जो क्या कहते हैं ये क्या एंथ्रीडिया है, ये डीजनरेट हो गया, ये डीजनरेट होके नीचे आ गया, यानी कि अब इसका कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो किस में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होता है, जैसा कि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या होगा कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रह जाएगा और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डीजनरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों के न्यूक्लियस एक में आ गए यानी कि ओगोनिया में आ गए, और ये अब क्या होगा, इसमें फ्यूजन हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, जायगोटिक न्यूक्लियस। ये क्या बना दोस्तों, जायगोटिक न्यूक्लियस बन गया। जब ये दोनों फ्यूज हो गए तो जायगोटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, इसे इरेज कर देता हूं दोस्तों, तो आगे बनता है फिर। यहाँ पे हम लोगों ने जायगोटिक न्यूक्लियस तक बना, अगर आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर अगर नहीं बनाएंगे आप तो आपका आंसर जो है वो अधूरा रह जाएगा, बिना फिगर के कोई भी आंसर नहीं होता है। अगर आपने लिखा थोड़ा कम भी है और अगर अच्छे से फिगर बना दिया है तो एग्जामिनर जो है वो देख के समझ जाएगा कि स्टूडेंट को आता है, और आप फुल मार्क गेन कर पाएंगे। तो फिगर जरूर ध्यान दीजिएगा, फिर फिगर बहुत अच्छे से समझिएगा। तो थर्ड स्टेप तक हम लोग पहुंच गए थे, यानी कि वहां पे जायगोटिक न्यूक्लियस बन गया था। अब क्या होगा इसमें, ये जायगोटिक न्यूक्लियस सिस्ट के अंदर, इसमें एक सिस्ट बन जाएगी, यानी कि एक वॉल बन जाएगी जो कि प्रोटेक्टिव वॉल है इसके चारों ओर। अब जब भी ये सुटेबल, ये जो अब इसे क्या कहेंगे, ऊ स्पोर कहेंगे। वहां पे जायगोटिक न्यूक्लियस था, अभी जायगोटिक न्यूक्लियस सिस्ट के अंदर आ गया और ये बनाएगा ऊ स्पोर। तो ऊ स्पोर जो होगा, जब भी किसी सुटेबल होस्ट पे गिरेगा और फेवरेबल कंडीशन मिल गई उसे, तो जर्मिनेट कर जाएगा, हाइफी बनाएगा। ये हाइफी है इसकी, ये हाइफी किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, नेचुरल ओपनिंग के थ्रू प्लांट के टिश्यू में, होस्ट के टिश्यू में एंटर कर जाएगी और उस प्लांट को या उस टिश्यू को, उस प्लांट के पार्ट को इन्फेक्ट करेगी, और फिर से वही साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो ऊ स्पोर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ये जो क्या कहते हैं ऊ स्पोर था, ये जर्मिनेट हुआ यहाँ पे हाइफी निकली इसके इससे, और वो नए प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया उसने। तो ये था एम्फीगाइनस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं पैरागाइनस। पैरागाइनस में क्या होता है दोस्तों, जो एंथ्रीडिया और ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है वो साइड बाई साइड होता है। कैसा होता है दोस्तों, साइड बाई साइड होता है। अगर मान लीजिए ये कोई ओगोनिया बनी है, इसी के साइड में क्या बन जाएगा, एक एंथ्रीडिया बन जाएगा। एंथ्रीडिया दोस्तों कैसा है, क्लब शेप्ड है। ओगोनिया कैसा है, ग्लोबोस है, स्फेरिकल है, और ये क्लब शेप है। इसके पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा, ये डबल वॉल है। फिगर दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फिगर ही सब कुछ है। अगर आप फिगर समझ गए तो कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है। ये साइड बाय साइड गो कर रहे हैं, ये है एंथ्रीडिया, ये है ओगोनिया, यानी कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें क्या होगा, जब ये आगे क्या होंगे, ग्रो होंगे, मैच्योर हो जाएंगे,
तो इसमें क्या होगा? ये मान लीजिए मैच्योर हो गए, थोड़ा फिगर ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं। जब ये मैच्योर हो गए तो इनमें एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाएगी, जहाँ पे ये आपस में साइड बाय साइड ग्रो कर रहे हैं। अगर ये तो इनमें क्या हुआ, जहाँ पे इनका फ्यूज़न हो रहा है, जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, वहाँ की जो वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी। ये थोड़ा मैंने दूर बना दिया है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा और नज़दीक होना चाहिए। ये क्या होता है, जहाँ पे इसका फ्यूज़न है वहाँ की वॉल जो है वो डिजेनरेट हो जाएगी और वो एक रास्ता बनाएगी जिसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब इसमें क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है ये इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ऊगोनियम में आ जाएगा, यानी कि एंथ्रीडिया का न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ऊगोनियम में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा न्यूक्लियस का, ये इसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा, ये इसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि माइटोसिस हुई है, एक बार मियोसिस हुई है। मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, हाइफी में ही मियोसिस हो गई है, जब उनका मतलब वो स्पेशलाइज्ड हुई थी तभी उसमें मियोसिस हो गई थी। यानी कि इनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंटल सेल से हाफ है, क्योंकि ये गैमेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, एज ए गैमेट बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फ्यूजन होता है। जब गैमेट फ्यूज होती हैं, फर्टिलाइज होती हैं, तो क्या बनता है, जायगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो ये जो हैप्लॉयड गैमेट है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस है ये ऊगोनियम और एंथ्रीडियम के, तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोटिक न्यूक्लियस बनेगा। तो उसके बाद फिर दोस्तों वही प्रोसेस, यहाँ तक थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ पे एम्फीगाइनस में क्या हुआ था कि एक दूसरे को पेनिट्रेट करके निकल रहे थे एंथ्रीडिया और उगोनिया, और पैरागाइनस में एंथ्रीडिया और उगोनिया जो है वो साइड बाई साइड पैरेलली ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस थोड़ा अलग था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, एम्फीगाइनस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और आगे का जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगा जायगोटिक न्यूक्लियस, ये जायगोटिक न्यूक्लियस बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो जायगोटिक न्यूक्लियस है ये फिर से एक बार इंसिस्टेड कंडीशन में आ जाएगा, जैसा कि एम्फीगाइनस में हम लोगों ने पढ़ा था। ये पैरागाइनस टाइप का है दोस्तों, ये पैरागाइनस है। इसमें क्या हुआ, जायगोटिक न्यूक्लियस बना, जायगोटिक न्यूक्लियस अगले स्टेज में क्या हुआ, इसके चारों ओर एक सिस्ट बन गई, ये भी क्या कहलाएगा, ऊ स्पोर कहलाएगा। एम्फीगाइनस में भी क्या बना था दोस्तों, ऊ स्पोर बना था, स्पोर बनेगा। फिर से स्पोर क्या करेगा, अगर सुटेबल होस्ट पे गिर गया और अगर उसे कंडीशन जो है वो सुटेबल मिल गई, फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो वो ग्रो कर जाएगा और इसमें से हाइफी निकलेगी, वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगी। ये हाइफी किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू होस्ट टिश्यू में एंटर करेगी और उसे इन्फेक्ट करेगी। दोस्तों ये था फाइटोप्थोरा का पूरा लाइफ हिस्ट्री, इसमें कुछ भी नहीं बचा दोस्तों, सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो सारा डिस्कस हो गया है। अगर कुछ भी क्वेरी है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच पाए और सबकी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।